शुरुआत में हमें एक फैंटेसी राज्य के राजा को दिखाया जाता है जो कि अपने आने वाले जन्मदिन को लेकर काफी उत्साही था। जन्मदिन के दिन की प्लानिंग करते हुए राजा का हेड शेफ बहुत सारे व्यंजन बनाकर उसे दिखाता है और फिर स्वीट्स में वो रंग बिरंगी बिस्किट्स भी बनाकर दिखाता है। राजा जैसे ही उन बिस्किट्स को खाने वाला होता है, वो बिस्किट्स अचानक से उछलकर टेबल पर घूमने लगते हैं और वो जिस भी डिश में जाकर गिरते हैं उनमें जान आ जाती है। एक आखिरी बिस्किट वहाँ रखे हुए नूडल्स पर गिर जाता है, जिससे कि उन नूडल्स से एक मम्मी बन जाती है और वो जादुई नूडल्स राजा को बांध कर हवा में उड़ने लगते हैं। वहाँ के सैनिक ये देखते हैं तो वो जल्दी से ये बात महामंत्री को बताने जाते हैं कि राजा को मैजिक नूडल्स उड़ाकर ले गए हैं। ये बात सुनकर महामंत्री सैनिकों से कहता है ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इस पूरे राज्य में अशांति फैला सकती है। फिर सैनिक महामंत्री से पूछते हैं कि राजा को कौन बचाएगा, तो महामंत्री कहता है SMAC काम करेगी, मतलब कि सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी, एक ऐसी टीम है जो कि मैजिक करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी नजर रखती है ताकि वो लोग कोई इलीगल काम ना कर सके। वही SMCA की टीम मेंबर ग्रेटल एक मैजिशियन को इलीगल काम करने से पकड़ती है जो कि कुछ क्रिएचर्स को बंदी बनाकर रख रहा था। ग्रेटल उन सबको आजाद करती है। आजाद होने के बाद वो सभी क्रिएचर्स ग्रेटल को एक तोहफा देते हैं। इधर वो महामंत्री SMCA के हेड से कहता है कि राजा के किडनैप होने की खबर फैलने से पहले हमें राजा को ढूंढना होगा क्योंकि 3 दिनों के बाद राजा का जन्मदिन है, उससे पहले राजा को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी। इसी के साथ वो SMCA के हेड को सजेशन देते हुए कहते हैं क्यों ना आप किसी एक्सपर्ट चोर की मदद ले लें। ये बात सुनकर सभी मास्टर हंजल का नाम रेकमेंड करते हैं क्योंकि हंजल ने एक बार दिन के उजाले में से राज्य के बीच में से स्टैचू चुरा लिया था। पहले तो SMCA की हेड नहीं मानती लेकिन महामंत्री के बार बार कहने पर तैयार हो जाती है। फिर वो हंजल को पकड़ने के लिए ग्रेटल को भेज देती है। ये देखकर मंत्री बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रेटल हंजल की बहन थी। इस पर SMCA की हेड कहती है कि ग्रेटल एक ऐसी एजेंट है जो कि अपने काम के बीच में अपनी फैमिली को नहीं देखती। इधर हमें हंसल को दिखाया जाता है जो कि अपने फेक मैजिक की मदद से बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी धन कमा रहा होता है। ये सब करने के बावजूद हंसल दिल का काफी अच्छा आदमी था क्योंकि शो के बाद उसके पास एक लेडी अपने बहन को लेकर हंसल के पास आई थी। वो अपने और अपनी बहन के लिए कुछ पैसे मांगने आई थी क्योंकि वो बहुत गरीब थी, तो हंसल उसे ढेर सारे पैसे दे देता है और उसकी मदद करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हंसल की बहन ग्रेटल आती है जो कि उसे ले जाने के लिए आई थी, लेकिन हंसल अपनी बहन को देखकर बचकर वहाँ से भागने लगता है। फिर किसी तरह उसकी बहन उसे पकड़ लेती है और SMCA के हेडक्वार्टर्स में ले जाती है जहाँ पर हंसल को सारी बात बताई जाती है और राजा को वापस ले आने के लिए हंसल और ग्रेटल के साथ वो एक टीम बना लेते हैं। लेकिन ये बात हंसल और ग्रेटल दोनों को पसंद नहीं आती क्योंकि ग्रेटल को लगता है कि हंसल किसी काम का नहीं है। लेकिन हेड उन दोनों को एक अच्छा ऑफर देती है कि अगर तुम दोनों ने 2 दिनों में राजा को ढूंढ कर लाया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी और साथ ही साथ हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी दे दूंगी और ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड भी दूंगी। ये ऑफर उन दोनों का लाइफ का सबसे बड़ा गोल था। वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ग्रेटल हंसल को मिशन में लगने वाले ढेर सारे गैजेट्स दिखाती है जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। उन दोनों को एक SMCA की एजेंट मिशन में काम आने वाले कुछ वेपन्स दिखाती है जिसमें से एक स्पेशल आईना होता है जिसमें वो मैजिक देख सकते थे और एक मैजिक बॉल जिसमें आसानी से दीवार में होल किया जा सकता है और एक ऐसा सायरन जो मैजिक आसपास होते हुए ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके बाद वो ग्रेटल को एक लिस्ट देते हैं जो कि राजा के लिए खाने का सामान आया था उसकी थी। ये देखकर हंसल को डाउट आ जाता है कि ये किसी लोकल पेस्ट्री शॉप का काम था, इसलिए वो उसे ग्रेटल के साथ ले जाने के लिए उस पेस्ट्री शॉप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम ब्यूटीफुल लेडी एलवीरा को देखते हैं जो कि एक वेनेला पोशन बना रही होती है और वो उसमें एक अजीब चीज मिलाती है। एलवीरा के सर्वेंट वहाँ के बिस्किट्स और कपकेक होते हैं। वो उस लेडी की मदद कर रहे थे तभी वहाँ पर नूडल्स किंग को वहाँ पर ले आते हैं। जो राजा जब उन लेडी को देखता है तब उसे समझ आ जाता है
कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी शेफ एलवेरा होती है, जिसे राजा ने खाने में ब्लैक मैजिक का यूज़ करते की वजह से निकाल दिया था, और इसी बात का वो राजा से बदला ले रही थी। राजा एलवेरा को ढेर सारे पैसे देने की बात करता है, लेकिन इस बार एलवेरा को राजा के साथ ही साथ उसके पूरे राज्य पर भी कब्जा करना था। इधर ग्रेटर और हंसल एक पेस्ट्री शॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो कुछ कपकेक्स को सर्वेंट के रूप में देखते हैं। वहां पर उन्हें एक सीक्रेट रूम भी दिखाई देता है, तो ग्रेटल हंसल को अपने साथ आने के लिए कहती है। इधर हंसल कपकेक्स के सामने आ जाता है। हंसल को देखकर वो कपकेक्स चिल्लाने लगता है, और उनके चिल्लाने की वजह से वहाँ पर एक डॉग आ जाता है। वो हंसल का पीछा करता है और वो दोनों भागते भागते उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेटल होती है। हंसल उस डॉग से बचने के लिए ग्रेटल की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, तो वो डॉग उस सीढ़ी को घुमाने लगता है, जिससे कि हंसल और ग्रेटल उसी सीढ़ी पर घूमने लगते हैं, जिससे कि वहाँ की जादुई सीरम नीचे गिरने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक ऐसा सीरम गिर जाता है वो, जिससे कि वो दोनों छोटे हो जाते हैं। इससे हंसल काफ़ी परेशान हो जाता है। इस पर ग्रेटल कहती है, ये उस सीरम का काम है जो कि बाबा यागा ने बनाया था। मुसीबत का हल ढूंढने के लिए वो दोनों वापस हेडक्वार्टर्स जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें वहाँ पर पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से वो उन्हें एजेंसी से बाहर निकाल देते हैं। वो दोनों बार बार एजेंसी के अंदर जाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं, और वहाँ का सैनिक उन्हें वहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी ग्रेटल को एक आइडिया आता है, और वो कहती है कि क्यों ना हम बाबा यागा के पास ही जाएं। हंसल कहता है कि मैंने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, लेकिन ग्रेटल के कहने पर वो दोनों एक साइकिल की मदद से बाबा यागा को ढूंढने निकल जाते हैं। हंसल रास्ते भर कुछ जादुई पत्थर गिराते हुए आता है, क्योंकि वापस आते वक्त उन्हें आसानी से रास्ता मिल जाए। जब वो दोनों बाबा यागा के घर पहुँचते हैं, तो वो उन दोनों को बिना कुछ करे घर के अंदर बुला लेती है, और वो खाने के लिए उन्हें कुछ बिस्किट्स देती है। हंसल वो बिस्किट्स नहीं खाता, क्योंकि उसे इनमें कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वही ग्रेटल उन पर विश्वास कर बिस्किट खाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने मैजिकल आईने में उसे कुछ बिस्किट्स में मैजिक दिखाई देता है, जिसे देखकर ग्रेटल समझ जाती है कि बाबा यागा उन्हें सुलाकर मारना चाहती है। इसलिए वो पपी और हंसल को लेकर सोने के बहाने से एक रूम में ले आती है, और ये बात सुनकर हंसल अपने फेक जादू की तरकीब से बाबा यागा को डराता है, और उससे वो मून जेम ले लेता है, जिसकी मदद से वो ग्रेटल को बाबा यागा के जादू से जगा सके। लेकिन तभी यागा को हंसल के बारे में पता चल जाता है, और वो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके रूम में जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी शिप एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाता है। लेकिन वो दोनों शरारती भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगता है। इसी बीच हंसल ग्रेटल की डायरी लेकर पढ़ने लगता है। उसे वहाँ पता चलता है कि ग्रेटल एक ग्रेट एजेंट बनना चाहती है। इधर हम राजा को देखते हैं, जिसे एलवेरा ने अपने उसे जादुई बिस्किट्स खिलाने की कोशिश में थी। तभी वहाँ पर कपकेक्स आते हैं और उसे बताते हैं कि पेस्ट्री शॉप पर हमला हुआ था। वही कपकेक्स एलवेरा को ग्रेटल का एजेंसी वाला बैज दिखाते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और वो उन्हें मारने के लिए एक येलो इमोजी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को भेजती है। इधर एक ऑक्टोपस हंसल और ग्रेटल को एलवेरा का असिस्टेंट समझकर उन्हें पकड़कर माइटी ब्रिज के पास ले जाता है, और वो उन्हें वहाँ की रानी मोरमेड के सामने पेश करता है। वो उन्हें जासूस समझकर मछली में बदलने ही वाली थी कि तभी रानी की बेटी ग्रेटल के गले में अपना हार देख लेती है, और रानी को सारी बात बताती है कि एक बार ग्रेटल ने उसकी जान बचाई थी। तो ये बात सुनकर रानी उन दोनों से माफ़ी मांगती है, और उन्हें बताती है कि वेनल एक्सट्रैक्ट्स मरमेड्स ही बनाती है, लेकिन उसे एलवेरा के कुछ कपकेक्स ने चुरा लिया है, और एलवेरा उस वेनिला एक्सट्रैक्ट की मदद से राजा और पूरे राज्य पर अपना काबू करना चाहती है और राज करना चाहती है। वही मरमेड ने एलवेरा के बहुत सारे कपकेक्स को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि वो सीरम चुराते हुए पकड़े गए थे। ग्रेटल और हंसल थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और उन कपकेक्स को छोड़ देते हैं, और उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो मॉन्स्टर बॉल भी होता है, जिसे एलवेरा ने हंसल और ग्रेटल को मारने भेजा था। वो दोनों किसी तरह से उस बॉल को हरा
देते हैं, लेकिन तभी हंसल चोटी से गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे ग्रेटल बचा लेती है। उसके बाद वो एक सीक्रेट जगह से होते हुए जिंजर ब्रेड के घर में पहुंच जाता है। वहीं उनका पपी उन कपकेक्स को अपने साथ उलझा कर रखता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी, जहाँ राजा को कैद करके रखा था। रास्ते में इन दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक अच्छी टीम है। वो एक दूसरे से थोड़ा बात करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक्स जैसे कपड़े पहन कर जाते हैं और उनमें मिक्स हो जाते हैं। वो जल्दी से राजा को ढूंढ भी लेते हैं। वहाँ पर एल्वीरा राजा को जादुई कुकीज खिला रही होती है ताकि उससे वो प्यार करने लगे, और ऐसा होता भी है क्योंकि जब ग्रेटल राजा को चलने के लिए कहती है तो राजा साफ मना कर देता है। इससे ग्रेटल समझ जाती है कि एल्वीरा राज्य के लोगों को भी ये कुकीज खिलाना चाहती है ताकि वो उन्हें अपना गुलाम बना सके और अपनी एक पेस्ट्री शॉप खोलकर दुनिया पर राज कर सके। ग्रेटल राजा को और भी कुकीज देने का लालच देकर उन्हें वहां से चलने को कहती है, लेकिन तभी राजा हैंसल को पहचान लेते हैं कि ये तो वही है जिसने मेरे स्टैचू को चुराया था, और वो वहां से तुरंत अपने सैनिकों को बुला लेता है। तभी वहां पर एल्वीरा भी आ जाती है। फिर वो अपने सर्वेंट्स को कहकर उन दोनों को अपने कुकीज के चेम्बर में डालने को कहती है, और उसके बाद वो राजा को लेकर राज्य की ओर निकल पड़ती है। वहाँ पर ग्रेटल हंसल पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे लगता है कि ये सब हंसल की वजह से खराब हो गया है। ये सुनकर हंसल उसे बताता है, जब बचपन में हमारे मॉम डैड की मौत हो गई थी तब हम बहुत गरीब हो चुके थे, और इसलिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। ये बात सुनकर ग्रेटल उससे माफ़ी मांगती है और उसे गले लगा लेती है, और इसके बाद वो दोनों एक बलून से जंप करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ग्रेटल उस लव कुकीज़ को देखकर उनका एंटीडोट बनाने का सोचती है। वो दोनों मिलकर एंटीडोट बना भी लेते हैं और वो दोनों मिलकर एक ड्रैगन की मदद से राजा के महल तक पहुंच जाते हैं। इधर महल में एल्वीरा वो जादुई कुकीज़ खिलाकर अपने वश में राजा को कर चुकी थी। ये देखकर हंसल अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं तो वो अपनी जादुई ट्रिक की मदद से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर ग्रेटल राजा को वो एंटीडॉट लगा देती है, जिसके लगते ही राजा होश में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एल्वीरा राजा का क्राउन पहनने लगती है और लोगों को अपने कंट्रोल में कर देती है। इधर ग्रेटल कुकीज़ में एंटीडॉट सीरम डालने जाती है तो तभी एल्वीरा हंसल को पकड़ लेती है और ग्रेटल को वो सीरम देने के लिए कहती है, और कहती है कि अगर तुमने मुझे वो सीरम नहीं दिया तो मैं ग्रेटल को इस बड़े से कुकी वाले टब में फेंक दूंगी। तो ग्रेटल पहली बार अपनी ड्यूटी की बजाय अपने फैमिली को देखती है और वो एंटीडॉट सीरम एल्वीरा को दे देती है, लेकिन एंटीडॉट मिलने के बावजूद एल्वीरा हंसल को टब में फेंक देती है, और हंसल को बचाने के लिए ग्रेटल भी उस टब में कूद जाती है। हंसल के पास एक मैजिकल बलून था जिसे छूते ही वो मैजिकल बलून में बदल जाता था, और उसकी मदद से वो दोनों बाहर आ जाते हैं और एल्वीरा से वो एंटीडॉट भी छीन लेते हैं और एल्वीरा को ही उस बड़े से टब में फेंक देते हैं, और साथ ही साथ उस टब में से उस एंटीडॉट सीरम को भी मिला देते हैं, जिसमें लोगों को वो कुकीज खाने के बाद में होश आ जाता है। फिर राजा हंसल और ग्रेटल को गले से लगा लेता है क्योंकि उन दोनों ने राजा की नहीं बल्कि पूरे राज्य की जान बचाई थी। इसके बाद हम मूवी के अंत में देखते हैं कि राजा ग्रेटल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देता है, और वही SMCA के हेड में हंसल को उसका लाइसेंस भी मिल रहा होता है, लेकिन हंसल उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे तो मैजिक करना आता ही नहीं था। इधर ग्रेटल अपने अवार्ड को सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी SMCA के हेड ग्रेटल को एक मिशन के बारे में बताती है। वही हंसल वहाँ से उदास मन से जाने लगता है तो ग्रेटल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना कोई काम नहीं करूँगी। ये बात सुनकर सभी शॉक में आ जाता है क्योंकि ग्रेटल अपना काम हमेशा अकेले ही करना पसंद करती थी, पर अब हालात बदल चुके थे और अब वो अपने भाई के साथ ही काम करना चाहती थी। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है।